ये कलर निकाल रही हूँ मैं, इतने फालतू के मत वो भर के जाया कर। कलर जाना यार, ऐसे बांधते हैं ले देखो। ये पकड़, पापा ने जाना तो है, पापा के साथ चल जाना ना, पापा को वो होने देना, फिर जाना ठीक है। थैंक यू, रख ले पॉकेट में, रखना कहाँ रखना, मास्क कहाँ है और उधर। तो क्या है, बड़ा टाइम लगाना, बड़ा कैसे लगाना, बहुत टाइम है अभी, 40 पे जाता जब तब मैं वो करके आती हूँ, चावल डाल आती हूँ बाहर ठीक है। क्यों गुस्सा आ रहा है, कुकर खाली हो गया, प्लेट ले लेनी थी एक, ये तो अभी भी रह गया है, अभी कहाँ निकला, साफ तो हुआ ही नहीं। जो पुट्टी करते हैं ना वो था एक, उससे निकालने वाला, उससे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, पुट्टी वाला नहीं होता एक। तो यहाँ पे ना सब्जी जो मैं आज लेके आई थी वो धो के रखी हुई है, मैं वही धो रही हूँ इस समय पे। और आज क्या हुआ कि सब्जी जब मैं लेने गई ना बिल्कुल ताज़ी ताज़ी थी सब्जी आई हुई, और आज हंसी जो है स्कूल से सीधा मेरे पास आया था, रोज़ ही आता है लेकिन आज फिर से आया था, तो फिर बैग इसका बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था मुझे, कहा मैंने सोचा मैं चलो छोड़ देगा यहीं पे, तो मैं लेके आती हूँ फिर बैग, तो ये आ गया फिर खाली हाथ आ गया था वापस, और बैग इसका मैं लेके आई थी और ऊपर से सब्जी भी थी, तो बड़ी मुश्किल से मतलब आज तो वापस आना मेरे को ऐसा हो गया कि इतना हैवी लेके मैं जाऊँगी कैसे, लेकिन फिर क्या करें आना पड़ा फिर। अभी मैं धो रही हूँ कपड़े, देखो कितने सारे कपड़े हैं, देखो हले हुए ये पर्दे सोने के रूम के, और ये कपड़े अभी धुलेंगे फिर उनको जो है ना, और कल भी धोए थे वीरवार को छोड़ के, वीरवार और मंगल को छोड़ के, रोज कपड़े हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं, रोज का यही काम है। चलो धो लेती हूँ मैं पहले, फिर मिलते हैं आपसे ब्लॉग में, आप ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो ये है सोनी के रूम के दो पर्दे जो कि दरवाजे वाली साइड थे, और यहाँ जो है मैंने देखो सफाई भी कर ली अच्छे से, और सारा जितना भी था ना कपड़े धोने का काम सब कर लिया है, और अब चलती हूँ अंदर। तूने क्या गंद डाला भाई, हैं बेडशीट डालनी थी ना, आवाज कम कर इसकी, रोलर कोस्टर। अभी कल वाले कपड़े भी ना अभी तय करने को पड़े, प्रेस करने को पड़े, एक ये पूरा दिन घर पे थी ना, इसने मजाल से थोड़े से भी कपड़े वो करके रखे हो, खड़ा हूँ यहाँ से, मैंने वो बेडशीट निकालनी है, बेडशीट निकालनी मैंने बोला, फिर बैठ जाना। स्टार्ट है देख देख देख, आज के लोग
तो यहाँ पे जो है ना, मैं बेडशीट जो है ना रात को शाम को ही धो लेते मैंने सारे कपड़े जितने भी है ना, बेडशीट वगैरह भी चेंज करती थी। तो मैंने सोचा चलो कल संडे है तो कल संडे को कुछ और काम कर लूँगी, और अभी सफाई करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता, जितनी मर्ज़ी सफाई करो फिर से गंद चल जाता है, पता नहीं रोज़ का यही काम हो गया बस सफाई करने का। तो ये बेडशीट जो है ना हैंसी की फेवरेट है ये, और ऑनलाइन मंगाई थी मैंने, तो इसके लिए ब्लू मंगाई थी और सोनी के लिए पिंक मंगाई थी। तो बस यहाँ पे जो है मैं वही बिछा रही हूँ, इसको पूछ के कि ये वाली डाल दूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि 8:30 तो हो ही चुका था, 8:15 हो चुके थे आई थिंक, सारा काम करते करते आज बहुत लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो पर मैंने सोचा कि चलो जितना काम जब निकल जाए ना उतना कर लेना चाहिए, और पहले मैंने सोचा बाहर जाके कपड़े डाल आती हूँ जो धोए हैं अभी, लेकिन हवा थी इतनी चली हुई कि जितनी भी डस्ट है ना वो सारी उड़ उड़ के दरवाजे के पास तक पहुँच रही है। तूफ़ान टाइम में आया हुआ है, रोज़ बादल आते हैं, रोज़ तूफ़ान आता है और वो वैसे ही निकल जाता है वापस। तो बस फिर मैंने जो है ना कुछ भी नहीं किया बाहर डालने का काम, अब मैंने कहा कल सुबह देखती हूँ मौसम कैसा होता है उसके हिसाब से जो है ना करूँगी। और ये बेडशीट पूरी मैं अपनी तरफ से तो पूरी कवर करके रख रही हूँ, लेकिन गद्दे के अंदर जो बिल्कुल डाल के, लेकिन बच्चे खेलते रहते हैं ऊपर नीचे कूदते रहते हैं, ख़ासतौर पर हैंसी का तो आपको पता ही है बैठता ही नहीं एक जगह भी, अभी भी जितनी देर मैंने ये किया उतनी देर में कभी कुछ। तो मैंने इसको जानबूझ के मोबाइल दिया था थोड़ी देर पकड़ने के लिए, तो बोलता मेरे हाथ थक रहे हैं तो मैं नहीं पकड़ूंगा। और कल भी मैंने इसे ब्लॉगिंग थोड़ी सी करवाई थी, और ये बस मर्जी का काम करता है ज़्यादा नहीं करता। आज क्या हुआ ना कि आज हैंसी जो है मेरे पास दिन में आया, और सुबह इसको स्कूल में जो है ना जब इसके वापस आने का टाइम होता है तो बस में चढ़ने से पहले बोलता मम्मा मेरे को बहुत ज़ोर की पॉटी आई हुई थी। तो जैसे ही आया ना मेरे पास भागता हुआ, शाम को जब बस से उतर के आया, बेचारा आजकल खुद उतर जाता है बस से ना, क्योंकि मेरे पास मैं जा नहीं सकती हूँ रोज़ रोज़ ऑफिस से बाहर, और ये इसको थोड़ी जैसे ना बेचारा खुद उतर के आ गया मेरे पास कि मम्मी सबसे पहले मेरे को वॉशरूम लेके चलो, मेरे को वॉशरूम जाना है। और फिर मैं इसको लेके गई, बोलता मैंने तब से लेकर जो है ना खुद को रोक के रखा था कि नहीं अभी नहीं करना, लेकिन अब आगे कंट्रोल नहीं हुआ। और फिर उसके बाद फिर मैंने इसको बोला चल अच्छा अपना बैग छोड़ दे यहीं पर और तू चला जा। और वैसे मेरा बच्चा जो है ना थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये सेल्फ डिपेंड समझ लीजिए हो गया है, अपने कपड़े चेंज कर लेता घर आके, सारा कुछ काम जो है ना मैक्सिमम जो है कर ही लेता है। और लेकिन फिर भी छोटा है अभी, थोड़ा सा देखना पड़ता है। और यहाँ जो है ना नेल्स काट रहा है ये पैरों के, मैंने इसको मना भी किया कि अभी शाम के टाइम नेल्स नहीं काटते हैं, लेकिन ये तो ये है मानेगा नहीं बिल्कुल भी। और मैं यहाँ पे जो है ना कपड़े कल जो धोए थे उन्हीं को तय करके रख रही हूँ, और रोज़ पता नहीं कहाँ से कपड़े हो जाते हैं, मैं इन कपड़ों से बहुत दुखी हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, इसको बोलते हैं ना वो नहीं है मैं काटूँ मैं जाऊँ फिर किचन में देख इसकी हरकतें पंगे करता रहता पालतू में। झिंगरो इसको रख दूँ हाँ उठा ले इसको यहाँ से। ये हमने बेडशीट जो है पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी है, और ऐसी बेड पे गंद मत डालना जरा भी, मैं तेरे को तरीके से समझा रही हूँ, समझ आई? ओ देख उसको उठा ले वहां से, मैं बोल रही हूँ उसको उठा ले, मैं बोल रही हूँ उठा उसको, उठा जल्दी। तो क्यों चेयर पे रखने वाला होता है ये, फिर सुनेगा मेरे से जोर से अभी। उठा इसको, गंद डाल के रखा हुआ सारे में, और कोई काम ही नहीं दूसरा, रख इसको जहाँ मैंने रखा था वहाँ रख। हाँ तूने नहीं गिराया ना, मैं जो बोल रही हूँ जितना बोल रही हूँ उतना कर, जहाँ इसको रखते हैं ना वो ऐसे रखते इसको, ठीक है ना?
सारे में गंद डाल के रखा हुआ खिलाऊ मैं तेरे को। इतना बढ़िया लाख दिया था ना इसको गधे को, इसने ये पूरा तोड़ दिया। ये पेन डाल डाल के देखना, ये भी पेन डाले हुए, ये पेंट तभी तो बचता नहीं। अब गधे को जो मर्जी ला के दो। अगर मेरे फोन के साथ लगी ना तो ये देख लेना ये कितनी जोर के पड़ेगा तेरे मुंह पे। निकालू देखो जी सब्जी मैं भी लाई थी और ये भी ले आए, पर ये की सेम नहीं लाए हम, सेम सिर्फ टमाटर हुए हैं, बाकी तो सब अलग अलग है। खीरा और टमाटर और गोभी लाए ये, बाकी मैं ले आई थी जो सब्जी टमाटर और भट्ठे वगैरह, भट्ठे मतलब बैंगन। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, टाइम बड़ा हो गया है, सब्जी तो मेरे पास पड़ी हुई है बट कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी जो बन जाए वही बनाना पड़ेगा। इनमें से क्या ही बनाऊँ, शिमला मिर्च बनाती हूँ दो ना, थोड़े जल्दी बन जाएंगे। और ये रहने दो सुबह बनाऊँगी है ना, है मेरे पास पड़ी हुई, छोटो करे क्यों बनाऊँ, कल बनाएंगे। और आज कुत्ते की रोटी रखी थी ना, आया ही नहीं, एक को तो दे आते हैं परे और ये आया ही नहीं, अभी ये बाहर वैसे ही फेंकनी पड़ेगी चिड़िया को, क्योंकि चिड़िया को जो चूरा चूरा करके देखेंगे वो तो खा भी देगी। गुड इवनिंग एवरीवन, तो अभी जो है ना शाम के बज चुके हैं 8:15 या आई थिंक 8:30 होने वाले हैं, और मैं अभी सभी जो है कपड़े धो के फ्री हुई हूँ, कपड़े जो कल धोए थे उनको तय करके हटी हूँ, प्रेस में कल करूँगी, आज नहीं करना है प्रेस। और अभी जो है ना अभी करना है मुझे रोटी बनानी है, सब्जी पड़ी हुई है, चने भी पड़े हुए हैं, और सुबह न्यूट्री बनाई थी वो भी पड़ी हुई है, तो मैं सोच रहने देती हूँ कि बनाना ऐसी, चावल भी पड़े हैं सिर्फ चपाती बनाती हूँ, सब्जी रहने देती हूँ, सब्जी सुबह ही बनाऊँगी ताज़ी ताज़ी, और रेस्ट करते हैं। रोज़ कितना करी काम करना, काम कर करके हालत ख़राब हो जाती है, थोड़ा दिमाग को रेस्ट चाहिए, थोड़ा बॉडी को रेस्ट चाहिए। और कल है संडे, तो कल का ब्लॉग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल अभी मैं अगर मौसम ठीक रहेगा तो सुबह जाना है कहीं, और कहाँ जाना है वो आपको पता चल जाएगा ब्लॉग में कल के, तो मिस मत कीजिएगा। और आज का जो ब्लॉग है अगर आपने पूरा वॉच किया है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और क्योंकि कुछ लोग स्किप कर करके देखते हैं मतलब थोड़ा थोड़ा करके, तो इसीलिए चलिए यही कर रही हूँ मैं ब्लॉग का एंड। आई होप मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं, और अब आपसे मिलेंगे कल।